तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ अभी कन्याकुमारी में, थोड़ा सा पीछे हूँ जो कि 3-4 किलोमीटर है, तो वो मॉर्निंग वॉक के अपना थ्रू निकल जाएगा। अब भारत के इंडिया के आखिरी जगहों पे होंगे और वहाँ से फिर देखने में बहुत सारे मज़ा आएंगे। आप देख सकते हो हमारे पीछे और कुछ ही वहाँ पे जो है मंदिर एक दिख रही अच्छी खासी, उसके बाद आगे एकदम रोड एकदम खाली, क्योंकि आज आपका भाई थोड़ा जल्दी से उठ गया है। तो अभी टाइम कुछ 6-7 o'clock हो रहा है, 7 बज रहे हैं। तो बस पैक करके हम लोग निकल गए, रहा नहीं जा रहा था कन्याकुमारी देखने के लिए। कन्याकुमारी का बोर्ड लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड जाने का कन्याकुमारी के लिए, और ये बहुत बड़ा नाम है यार, पजाय में स्पेलिंग आउट कर दूंगा, पजायू चाक कार्ड क्या नाम है पता नहीं। तो ये राइट साइड में, तो अपन ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी के लिए। देख तो ऑलमोस्ट कुछ ही दूर है पहुंचने वाले कन्याकुमारी के आखिरी, इंडिया के आखिरी पोजीशन पे। आपको यहाँ पे हर टाइप का शॉप मिल जाएगा। ये टेंपल है कन्याकुमारी में, लेकिन फिलहाल अभी के लिए ये बंद है। चार पीस, ओके। तो 4 पीस इडली 20 रुपीज। तो यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल बैग रखते हैं, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं सुबह सुबह की। ये आ गई अपनी इडली, तो फाइनली इडली खा के मज़ा आ गया, पेट में थोड़ी सी जान आ गई। अपने को वहाँ तक जाने के लिए जो है ना राम सेतु बनाना पड़ेगा, वो देखो उस तरह ऐसा, तब जाएंगे अपन जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते, क्योंकि अपने पास फेरी के लिए पैसे नहीं है। अभी फेरी आएगी, कभी आएगी पता नहीं, फेरी शायद उधर से चलती है। तो भाई एक जबरदस्त है, कन्याकुमारी के पीछे की कहानी क्या है? हिंदू मिथक के अनुसार कन्या देवी पार्वती का अवतार थी और उनका विवाह भगवान शिव से होने वाला था, लेकिन भगवान शिव अपनी शादी के दिन प्रकट हुए परेशान रहे और महिला जीवन भर अविवाहित रही, इसीलिए इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। Artlist.io Music licensing reimagined. तो देखिए आप लोग ने फेरी चार्जेस के लिए 60 रुपीज है, हाँ ज़्यादा नहीं है, मिनिमम है, लेकिन हमारे लिए तो, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है, तो इसके वजह से और कुछ नहीं है, नहीं तो मैं चला जाता अभी। कोई बात नहीं, हम लोग यहीं से दूर से देखते हैं, वहीं पे शायद जाने भी मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है इसके लिए। तो कोई बात नहीं, हम लोग भी अगली बार जाएंगे ज़रूर। तो इस टाइम थोड़ा सा भी देखते हैं, और चार्जिंग का भी प्रॉब्लम है, तो चार्ज करने के लिए लोकेशन भी ढूंढना पड़ेगा अपने को। तो कोई बात नहीं, देखते आगे। अभी हम लोग जा रहे हैं स्टेशन, यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ पे जाके अपनी थोड़ी मोबाइल और थोड़ी सी चार्ज करें। कुमारी स्टेशन के पास आ चुके हैं, क्राउड नहीं है बिल्कुल भी, रामेश्वर की तरह वहाँ पे भी मैंने स्टेशन देखा था। तो रिक्शे लेकिन लगे हैं स्टैंड, मतलब नॉर्मली ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो उतना पब्लिक आती नहीं है यहाँ पे, बाई ट्रेन बाई बस या इस खुद की कार से या टूरिस्ट बस के थ्रू से पब्लिक यहाँ पे आते हैं, तो पूरा खाली है। अभी अंदर प्लेटफॉर्म में जाने के बाद ही पता चलेगा कि पब्लिक है कि नहीं है। अभी अभी आ चुके हम लोग प्लेटफॉर्म पे, लेकिन चार्जिंग पॉइंट ही मिला नहीं पता चला, तो वहाँ पे एक पॉइंट चालू है, तो उसी का वेट कर रहा हूँ कि कब अपना अंदर का हो जाए, तो उसके बाद अपन चार्जिंग लगाएंगे, तो तब तक वेट करना।
1 hour later. ये मोबाइल चार्ज होने के बाद अपन पे चार्ज करेंगे क्या पावर बैंक, तो थोड़ा सा इसमें ऑलमोस्ट 75% हो चुका है। हाँ भाई चल जा। हाँ 75% हो चुका है, इसके बाद अपन फिर मोबाइल पावर बैंक लगाएंगे चार्जिंग पे। कन्याकुमारी आप सोच रहे हो कैसे आगे, तो अभी हमको कुछ फ्रेंड्स मतलब गाइस मिल गए जो कि एक्चुअली मैं ट्रेन पे चार्जिंग कर रहा था, तो आप लोग ने देखा ही कि मैं चार्जिंग कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ बंदे मिल गए जो कि ऑलरेडी वो लोग भी हिच हाइकिंग कर रहे हैं। तो अरे पीछे तुमको बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। अच्छा भी है, सजा भी है दोनों। अरे यार ये ये मैं उनके देखो जिनके साथ जैसा एक्सपीरियंस होता है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, सही बात। दोनों चीज पता होने चाहिए, मजा के साथ में सजा है। अच्छा बात पूरी नहीं होने दिया ना भाई। अच्छा अभी कहाँ जा रहे हो? अभी तो चल रहे हैं बीच पे। बीच कौन सा बीच? हमने बताया कि मजा के साथ सजा, मतलब एक पल में मजा एक पल में सजा, तो एक मिनट जैसे चल रहे हैं उसके आगे में नहीं पता क्या होगा, क्या पता कि एकदम आज फाइव स्टार होटल में सोने को मिल जाए, कल रोड पे सोने को मिल जाए, तो अपनी लाइफ जो है ऐसी है। अरे तो क्या हुआ, घर पे तो घूम रहे हो? नहीं नहीं वो चार दीवार वाली घर नहीं बोल रहा, मैं बाहर वाली घर बोल रहा हूँ। ये भी तो बाहर वाली घर है ना, घर है अपना यार, अगर घर नहीं मानेंगे तो कैसे घूम रहे हो, पूरा भारत घर है। सुनो मैं बोर्ड लेके आया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक, मैं गोवा से कन्याकुमारी आ चुका हूँ बाई लिफ्ट, मैंने आज तक एक दिन भी वो बोर्ड नहीं निकाला है, और ये भाई हमारे जो मिले हमको ये बोर्ड दिखा रहे थे मुझे, तो वो काफी अच्छा है, बोर्ड वाला तरीका भी बढ़िया है, लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं लोग, वो काफी ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन मैं अभी तक पर्सनली अपनी बात करूँ ना तो मैंने एक दिन भी गोवा से कन्याकुमारी आ चुका हूँ, मैंने आज तक कभी भी बोर्ड यूज नहीं करा। सबकी अपनी 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 अलग अलग फंडे हैं भाई, अपनी जिंदगी में अपना फंडा लगाओ भाई, सब कुछ कर लोगे। देख के मत करो, हाँ दूसरे को देख के कुछ नहीं होता भाई, अपनी जिंदगी में अपना फंडा लगाओ बस, मेरा तो ये मानना है। 1000 रुपए कम पड़ रहे भाई, 50 रुपए चार कदम के कौन देगा, हम यहाँ से देख लेंगे। अब बताओ है 10 रुपए 20 रुपए तक तो ठीक है, 50 रुपए में एक दिन नहीं नहीं, एक्चुअली ये ट्रैवलर हर ट्रैवलर की कहानी है, क्योंकि हम ट्रैवलर लोग पैसे लेके नहीं चलते, तो इसकी वजह से हमको 50 या 10 रुपए भी बहुत महंगे मिलते है ना भाई। बिल्कुल सही यार। फोटोज निकाल रहे पीछे, फॉरेनर को पकड़ के आप देख सकते हो मस्त में, वो देखो तो बड़ा एकदम इंटरेस्टिंग चीज। अरे सच में हमारे पास नहीं है, अभी वीडियो आ रहा है क्योंकि चालू है, मैं उनका ले रहा था, वो बोल रहा था तो कौन, वो खुद है जो बोलता है वो खुद होता है। ए सनसेट हो रहा है यार, चलना भी हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ, बहुत इंजॉय किए, बहुत सारा मस्ती किए, बहुत सारा फोटो क्लिप्स आपको सारा चीज़ मिल जाएगा यूट्यूब के पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लाइव और बहुत कुछ। तो मैं भी अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा ठिकाना ढूंढने, टेंट जो लगाना है, रात को सोना है, वीडियो एडिटिंग करना है, बहुत सारा चीज़ काम करना है, रात के 12 बजने वाले हैं, तो उन सब की तैयारी करने जा रहे हैं अभी हम लोग। भाई अभी आज तो मैं, कल तक तो मैं अकेला था, लेकिन आज मुझको दो भाई मिल गए, एक इधर है और एक उधर जा रहे हैं। सबके भाई बस्ता दिखाओ अपना, ये स्लीपिंग बैग फिलहाल काम का नहीं आ रहा है, टेंट में ही गर्मी लग रही है, स्लीपिंग बैग कुछ काम नहीं आ रहा है, उधर भाई का एक है, उनके पास भी टेंट है, बैग दो दो बैग, मतलब ऑलमोस्ट सबके पास दो दो बैग है। हम लोग क्या है ना कि हम लोग बंजारा है कि जहाँ मन हो जहाँ जाओ, डेरा डारो सो जाओ। चलो तो फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं एक रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे खाना खाने के लिए थोड़ा सा, तो हम लोग तीन भाई हैं, हमारे तीन पड़े, उसमें सबको यह और ये थोड़ी सी सब्जी आएगी, सांबर सांबर
कटनी। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आपके बात करने मिलते हैं। तो नॉर्मली दिस इज द रेस्टोरेंट विच आई हैव, आज का खाना हमारे इसी रेस्टोरेंट पे हुआ था, होटल कीवी, वेज बिरयानी, जीरा राइस, पनीर, बहुत अच्छा है।